लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर बर्थडे पार्टी के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। ये वारदात हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में हुई है देर रात, और अमित यादव शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पर सपा नेता के किस फ्लैट में कल रात एक हत्या हो जाती है जिसमें गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शनिवार की सुबह यानी कि आज कुछ देर पहले इसका पता चला, सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में ये हत्या हुई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम राकेश बताया जा रहा है। हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में ये फ्लैट है और बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में ये गोली चली जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से इसका पता नहीं चल पाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमित यादव के बारे में आपको बता दें कि शाहजहांपुर से सपा के एमएलसी है और जब इस मृतक को जो व्यक्ति घायल थे उनको अस्पताल ले गया गया तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर इस वारदात ने कहीं ना कहीं कई सवाल उठाए हैं, लेकिन इस हत्या के बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। मामले की जांच शुरू हो गई है, पुलिस क्या कह रही है आइए सुनवाते हैं आपको। के घर पर गोली मारकर हत्या की का मामला सामने आया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा जी। सर, क्या वारदात थी, किस तरीके से वहां पर ये वारदात हुई है, कौन कौन लोग संदिग्ध हैं इसमें? ये जो वारदात अपार्टमेंट नंबर 201 के तहत हुई है कल रात में, इसमें एक विनय यादव नाम के लड़के के बर्थडे पार्टी में इसके 5 दोस्त इकट्ठे हुए थे। 5 दोस्तों में जो राकेश है वो मृतक है जिसको गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद जो बाकी 4 दोस्त बचे इन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो पिस्टल राकेश मृतक जो है वो लेके आए थे, मृतक के इस पिस्टल से जब छेड़खानी हो रही थी तो विनय के द्वारा इसके ट्रिगर दब जाने पे गोली निकलती है और जो है राकेश को लगती है जिसमें राकेश की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने जब फर्दर और पूछताछ की पता चला ये पिस्टल मृतक लेके नहीं आए थे, ये पिस्टल उस घर में जो रहते हैं पंकज सिंह या पंकज यादव उनका है। उसके बाद और पूछताछ की गई तो पता चला इस पिस्टल जो ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया था उसके अलावा भी इस पिस्टल के एक और मैगजीन है और 3 राउंड्स और इसके अवेलेबल है। फिर इन्हीं की निशानदेही पे ये पिस्टल और ये इसके जो पिस्टल का जो एक्स्ट्रा मैगजीन और इसके जो राउंड्स हैं वो पुलिस ने बरामद कर ली है।